सेना का हेलीकॉप्टर तेजी से आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर नीचे आया और ऑपरेशन के लिए गए कमांडो ने एक एक कर छलांग लगा दी। अब चुनौती थी बिजली की रफ्तार से आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने की। रेगिस्तान की मुश्किल जमीन पर स्पेशल फोर्सेस के जवान खास गाड़ियों से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर चौकसी बरती जा रही है, बिल्कुल मैदान जंग की तरह। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। देखते ही देखते स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने आतंकियों के ठिकाने को नस्त नाबूद कर दिया। दरअसल तस्वीरें भारत और अमेरिकी फौजियों के साझा युद्धाभ्यास की है, जो बीकानेर की महाजन रेंज में पिछले 19 नवंबर से चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के जवान और अफसर भी शामिल हैं। इस एक्सरसाइज का मुद्दा या एम दोनों आर्मीज के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, इंटर ऑपरेबिलिटी, ज्वाइंटनेस और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टैक्टिक्स के जरिए। इसमें अमेरिका के 12 नुमाइंदे हैं और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के 36, जिसमें ऑफिसर और जवान दोनों शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया वज्र प्रहार 2018। भारत और अमेरिका के फौजियों ने एक दूसरे से आतंकियों के निपटने के गुर सीखे। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2018 में ही राजस्थान के रण में वज्र प्रहार नाम से युद्धाभ्यास हुआ। उसके बाद जनवरी 2018 में अमेरिका के सीटल में भी दोनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी और दोनों देशों के फौजियों में तालमेल बढ़ेगा।